इस वीडियो में आप प्लीनर का प्रयोग करना सीखेंगे। प्लीनर मोटर से चलने वाला रंदा लगाने का उपकरण है, जिसका प्रयोग सतहों को समतल करने और लकड़ी हटाने के लिए किया जाता है। हमेशा डस्क मास्क, सेफ्टी ग्लासेस और ईयरमफ्स पहने जब भी आप बिजली के उपकरणों का प्रयोग करें। बिजली के उपकरणों को चलाने से पहले निर्माता के द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रयोग, रखरखाव और सुरक्षा के सभी निर्देशों को पढ़ें और पालन करें। प्लेनर में दो या अधिक घूमने वाले ब्लेड होते हैं जो उपकरणों को सतह पर आगे की ओर धक्का देने पर लकड़ी पर काटते हैं। उपकरण पूरी तरह से चपटी एक बस प्लेट पर टिका हुआ होता है। बेस प्लेट पर बनी वी आकार की जीरी किनारों को तिरछा बनाना आसान कर देती है। प्लेनर को सीधा चलाने के लिए लकड़ी के किनारे से दूरी तय करते हुए फेंस को एक ओर से अंदर जोड़ा जाता है। काटने की गहराई को प्रभावी तरीके से तय करते हुए गहराई तय करने की नॉब बेस प्लेट के आगे के हिस्से की लेवल को बदलती है। बुरादा बाहर फेंकने की जगह से ब्लेड के द्वारा बना बुरादा बाहर निकलता है। हैंडल से मजबूत पकड़ मिलती है और इसमें एक ट्रिगर होता है जिससे प्लेनर को चलाया जाता है। प्लेनर के बेस पर लगा शू यह निश्चित करता है कि ब्लेड उस सतह के साथ संपर्क में न आए जिस पर वह टिका हुआ है। इसमें दो मुख्य चरण हैं, हाथ से रंदा करना और फेंस के साथ रंदा करना। चरण पहला, हाथ से रंदा करना। जैसे कि दिखाया गया है, लकड़ी के ऊपर बेस प्लेट को अगला हिस्सा रखे और सतह के साथ मिलाकर पकड़ने के लिए नीचे की ओर दबाव डाले। दबाव को हटाते हुए लकड़ी की सतह के साथ मजबूती से आगे की ओर धक्का दे और उपकरणों के वजन को अपना कार्य करने दे। लकड़ी की सतह के ऊपर प्लेनर को तब तक कई बार चलाए जब तक आपको वांछित परिणाम न मिल जाए। चरण दूसरा, फेंस के साथ रंदा करना। जैसे कि दिखाया गया है, फेंस को इसके खांचे के अंदर फंसाएं ताकि यह लकड़ी के किनारे के साथ बराबर मिल सके। किनारे से प्लेनर की दूरी तय करें और उस पेंच को कसे जो फेंस को उसकी जगह पर रखता है। पहले की तरह उपकरण के आगे नीचे की ओर दबाव डालते हुए शुरू करें। उपकरण की साइड को सहारा दे ताकि जब आप इसे आगे धक्का देते हैं तब यह फेंस प्लेनर को सीधा चला सके। यदि आपके प्लेनर में शू नहीं है तो आप प्लेनर को एक बेकार लकड़ी के टुकड़ों पर रखकर ब्लेड को सुरक्षित कर सकते हैं। इसे नीचे रखने से पहले आप ब्लेड को लकड़ी से दूर भी घुमा सकते हैं। अब आपने प्लेनर का प्रयोग करना सीख लिया है।